नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्वाति। आपके सामने आज एक ऐसी खबर लेकर हाजिर हुई हूं जो विंध्य क्षेत्र के लिए आस्था का केंद्र बसावन मामा से जुड़ी हुई है। दरअसल सिमरिया तहसील के पूर्वा में स्थित तमस नदी के तट पर बसावन मामा की समाधि विंध्य ही नहीं पूरे प्रदेश के लिए आस्था का केंद्र है, जिनकी मान्यता बसावन मामा के नाम से है। दरअसल बसावन नाम के व्यक्ति कैसे बसावन मामा हुए और बसावन मामा ब्रह्मदेव का रूप क्यों धारण किया और कैसे अन्याय करने वालों को सबक सिखाया गया और आज भी बसावन मामा कैसे लोगों की रक्षा कर रहे हैं और अन्याय करने वालों को सजा दे रहे हैं, पूरी कहानी जानने के लिए हमारी टीम बसावन मामा पहुंची, जहां के पंडित और आस्था रखने वाले लोगों से चर्चा की। दरअसल बसावन मामा की कहानी एक ऐसे ब्राह्मण परिवार से जुड़ी हुई है जिनके परिवार में साधारण व्यक्तित्व का युवक वासुदेव की पूजा करता है, लेकिन पापी राजा उस वृक्ष को कटवा देता है जिस पर बसावन की आस्था जुड़ी हुई थी। चोरी छिपे काटे गए वासुदेव के वृक्ष की जानकारी बसावन को अंतर आत्मा देती है, फिर उसे बसावन अपने भक्ति और प्रताप के बल पर सबक सिखाते हैं। हम आपको सुनाएंगे बसावन मामा की पूरी कहानी यहाँ के पुजारी और श्रद्धालुओं की जुबानी। पहले सुनते हैं प्रसिद्ध बसावन मामा के बसावन से बसावन मामा बनने की कहानी और वर्तमान में क्यों ब्रह्मदेव के रूप में की जा रही है पूजा। समाधि स्थल की पूजा करने वाले पुजारी विनोद कुमार त्रिपाठी से। विनोद कुमार त्रिपाठी, कौन सा स्थान है, कब जी है ये स्थान? ये बसावन मामा ब्रह्मदेव का स्थान है। ये ब्राह्मण है। यहाँ पुराने जमाने में जब राजा रजवाड़ों का युग था, एक गढ़ी है पुरानी यहाँ की, तो ये वासुदेव भगवान की पूजा किया करते थे। वासुदेव भगवान की पूजा प्रतिदिन किया करते थे। यहाँ के राजा जो थे, तो एक बार घूमने के लिए, मतलब ग्रामीण क्षेत्र में घूमने के लिए गए, तो ये हाथी में सवार थे राजा, तो इनका हाथी वासुदेव की पत्ती खाने लगा। वहाँ जब गुजरे तो पत्ती खाने लगा, तब तक तो कोई बात नहीं आई, लेकिन राजा बोले अपने नौकर से कि लगता है हाथी भूखा है, वासुदेव को काट के खिला दो। तब बसावन ने इनको मना कर दिया। राजा जी वहां से वापिस आए, बोले कि एक ब्राह्मण ने मेरा अपमान किया है, उस वासुदेव को तो हम काटेंगे हर हाल में। जो वहां के मंत्री और ब्राह्मण थे बोले कि अभी नहीं, एक शादी की उम्र होती है, जब शादी इनकी हो उस वक्त यदि आप वासुदेव कटाएंगे तो शायद विरोध इतना न करें। फिर जब इनकी शादी हुई तो वासुदेव को उन्होंने कटवा लिया। शादी में थे, इनको स्वप्न हुआ आकाशवाणी टाइम में कि तुम्हारे वासुदेव कट गए हैं। इन्होंने बरातियों से बोला कि ऐसा ऐसा हमको आकाशवाणी हुई है, स्वप्न हुआ है, तो हम जा रहे हैं। तो जो वहां के बराती थे बोले बेटा ऐसा नहीं हो सकता, शादी पूरी हो जाने दीजिए, फिर आप जाइए। तो इन्होंने क्या किया कि अपना जो मुकुट होता था, पहले मुकुट चलता था, मुकुट को उतार के वहीं दे दिए। बोले कि जब हम वहां से वापिस आए या ना आए, परछन इसका करवा लीजिएगा, ठीक है ना। वहां से आए डायरेक्ट घर के अंदर गए, देखे वासुदेव कटा हुआ था। माँ से बोले वासुदेव कौन काटा है, माँ ने बताया कि वही पूर्वा वाले जो ठाकुर थे उन्होंने वासुदेव को कटवाया है। बोले हम फरियाद करके आए, तब तक बारात भी आ जाएगी। वहां से फरियाद के हिसाब में चले, यहाँ से एक भाट जो पुराने जमाने में कविता कहता था वो जा रहा था वहां कविता करने के लिए। तब क्या होता है कि पूछ देता कि कहाँ जा रहे हो, कौन हो आप? तो बोले हम कोई भी कहीं जा रहे हैं, मेरी रास्ता खोट मत कर। तो बोला वो कि यार लगता है बसावन हो क्या, जिसका हमारे राजा ने वासुदेव काटा है। इसके बाद उसने कहा कि ऐसी बोल रहे हो जैसे गणित विध्वंस कर दे, करतूत कितनी है आप में, ऐसा कुछ शब्द उसने बोला। तो ये वही कटार निकाल के अपने पेट में मार लिए। जब पेट में मार लिए तो ये गमछा था, इसको बधवाए आती और वहां से आए। तो गढ़ी है पूरी परिक्रमा करने लगे, यहाँ की खिड़की दरवाजा बंद होने लगे। तो घाट है नदी का, जब यहाँ से चढ़ने लगे तो जहाँ वासुदेव है वहीं इनका प्राणांत हो जाता है। जो भाट था उसने भी अपना मस्तक काट दिया, राजा ने वहीं मिट्टी डलवा दी, इनका वहीं दाह संस्कार हो गया। इसके बाद जामा जोड़ा पेरी कटार में पुनः आके मूत बोलते हैं कि इस गढ़ी में जितने छत्री खानदान हो
मेरा सामना करो, मैं बसामन ब्राह्मण आ गया हूँ। तो मारू बाजा बजवा देता है राजा बिना कुछ विचार किए, और यहाँ पूरी गढ़ी में भूकंप आता है, गढ़ी ध्वस्त हो जाती है। फिर इसके बाद एक सूखी लकड़ी अपने खून में गाड़ के जाते हैं, बोलते हैं कि यदि मैं सच्चे मन से वासुदेव भगवान की पूजा जब किया है तो ये लकड़ी सूखी है जो हरी हो जाएगी, तो मान लेना कि बसामन है, नहीं तो नहीं है। इसके बाद मैहर जाने के लिए मतलब सेवा के लिए जाने से पहले क्या करते हैं कि यहाँ एक राजा का जो परिवार था, मतलब यहाँ का लड़का ननिहाल में पल रहा था, उसको मारने के लिए जाते हैं। तो ये नदी जो है तमस, यही बीचों बीच उस साइड से वो आ रहा था, इस साइड से जा रहे थे, उसने मामा कह दिया, तो इन्होंने उसको अभय दान दे दिया और मैहर चले गए। शारदा माता की सेवा किए, 12 वर्ष बाद इनकी पुजाई यहाँ पे फिर हम लोग किए। मान्यता क्या है इसकी? मान्यता यहाँ जो मतलब मांग देता है, रोग मर्ज बाल बच्चा कुछ भी हो, कष्ट बाधा मागन मांगते हो, पूरा कर देते हैं बसामन मामा। सुना आपने, यह थी बसामन से बसामन मामा बनने की कहानी। अब आइए आपको सुनाते हैं मैहर से आए श्रद्धालु को, जिन्होंने बताया कि किस तरह से लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और क्यों बसामन मामा विंध्य के लोगों के लिए आस्था का केंद्र है। बसावन बाबा मामा कहलाए जाते हैं, इनका समाधि स्थल है और यहाँ पर जो भी मान्यताएं जो भी मन में आदमी लेके आता है वो पूर्ण होती है। क्योंकि हम लोग भारतीय हैं, हिंदुत्व की भावना है, उस भावना के तहत हर लोगों की भावनाएं बसावन मामा पूरी करते हैं। और यहाँ कुछ भी कोई लालच नहीं, कुछ चढ़ावा नहीं, जो आपकी इच्छा हो वो चढ़ाइए, ना हो ना चढ़ाइए, आप आत्मा से जो मांगेंगे शुद्ध मन से विश्वास के साथ वो बसावन मामा पूर्ण करते हैं। और ये प्राचीन समय से चला आ रहा है, मैं करीब 3-4 साल से आ रहा हूँ, उसके पहले भी मैं बुजुर्गों से यहाँ के नाम स्थान के नाम की बहुत अच्छी उपमा सुना हूँ। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? मैं प्रॉपर मैहर, शारदा देवी का धाम है, वहाँ से आ रहा हूँ। सुना आपने, श्रद्धा भक्ति में वह ताकत होती है जो कुछ भी कर सकती है, बशर्ते आपकी श्रद्धा लगन ईमानदारी से होनी चाहिए। आज बसामन मामा विंध्य ही नहीं पूरे प्रदेश में आस्था का केंद्र है। अन्याय करने वालों को सबक सिखाने वाले ब्रह्मदेव का यूं ही परचम नहीं लहरा रहा, यहाँ पर पीड़ित को न्याय और हर बुरे कार्य करने वाले को दंड मिल रहा है। अपने आसपास की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए विराट 24 के साथ। हमें दीजिए इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद।